हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी विजन। कैसे हो आप सब गाइस? आज हम देखने वाले हैं झंड जी की वीडियो, जो कि है आ जाइए 5 के, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, अनुपमा यादव, शिल्पी राज। तो यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आ जाइए 5 के वो मतलब फेमस सॉन्ग है यार पवन सर का, बट खेसारी सर का और अनुपमा मैम का और शिल्पी राज जी का नाम यहाँ पे क्यों ऐड किया गया? तो चलिए यार देखते हैं कैसे वीडियो होने वाली, फिर उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, अब लग रहा है कि भोजपुरी में कुछ नया हो रहा है। नया? यस, पुराना। क्या बात कर रहे हैं? घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, फिर होता है हे बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ दिखा। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, निया शर्मा, फिर होता है क्या? ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? अरे आ जाइए 5 के, चल जाइए नाच के। अच्छा, और मान लो कि वो 4 को ही आ जाए तब? तब गाना थोड़ा अलग बनता। कैसा बनता? ऐसा, आ जाइए 4 के, चल जाइए मार के। अरे का मार के चल जाइए मैडम? अरे आंख मार के चल जाइए जान। अच्छा तो का हाल है? ठीक है, ठीक है। दोस्तों आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं दो बिहारी। वैसे ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया ना? हाँ, कुछ नया बोलना चाहिए। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ तो ले नया सुन। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं दो ऐसे सिंगर के गाने जो है बहुत प्यारी प्यारी, नाम है शिल्पी राज और अनुपमा यादव। साले ये तो राइमिंग बनी नहीं। हाँ तो राइमिंग के चक्कर में दोनों का नाम बदल दो क्या? ये बढ़िया था गुरु। राइमिंग अब आएगा देख। साथ में है पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले पवन और खेसारी। अब बना राइमिंग? हाँ अब बन गया। तो गैस बंद कर दूं? नहीं, जब बन गया तो गैस बंद कर देता हूँ। तो चलो ने यार, अपने अपने हथियार अपने अपने हाथ में पकड़ लो और हेलीकॉप्टर और ऑडी को दो कौड़ी का बनाने का शुरू करते हैं सफर। वेरी गुड, करते हैं झंडी की नया नया भसड़। अबे फिल्म नहीं गाना लगाओगे? साले गाना ही है ये। क्या बात कर रहा है? देखो भैया, ऐसा स्टंट मारने पर ना गाड़ी उलट भी सकती है, और जब गाड़ी ऐसे उलटेगी ना तो ऐसी चीज टूटेगी कि डॉक्टर को भी दिखाने में शर्म आएगा। हाँ ये वाला पहले से बढ़िया था, काहे से अगर बगल में छिलाई तो बस थोड़ा बहुत परपराई। चीज बाटे खींचा जाने ताकिया का पीछा, चीज बाटे खींचा जनी ताकि आगा पीछा। क्यों, आगा पीछा के अलावा शरीर में कोई और ऐसी जगह नहीं है क्या जहाँ ताका जा सकता है? नहीं है, लेकिन वो मेकअप से ढका हुआ है। क्यों, दिखाने लायक नहीं है क्या? कोनो शौक बता देख ले ही जांच के। ये तो पूरा पहले इस्तेमाल करो, अब तो कमरे में ले जाना पड़ेगा। नहीं, जांच गृह में तो ले जाना ही पड़ेगा ना, खुले में सबके सामने कैसे जांचेंगे? अच्छा, और मान लो कि अगर वो 6 को आए तब? तब झापड़ खा के जाएंगे। नहीं, 5 को पवन सिंह का बर्थडे होता है, तो 6 को क्या बर्थडे की पार्टी का जूठा बर्तन धोने जाएंगी? ये बात भी है। नहीं, मनन नचनिया को अपने बर्थडे का न्योता देने के लिए भाई साहब हेलीकॉप्टर से आए हैं, वो भी इतने सारे बाउंसर के साथ। मूर्खो साले, ये हेलीकॉप्टर पार्टी के तरफ से चुनाव प्रचार के लिए मिला है। हाँ, ये भी हो सकता है। हट! मोट जाती सन की तो छोड़।
जदि सनकी त छोड़ देबे पानी। गर्मी का सीजन तो है नहीं कि पसीना छोड़ेगी, तो पानी छोड़ेगी कहाँ से धरती? अब वो तो इनसे ही पूछना पड़ेगा। अरे तू ही बता दे। मैं बताऊंगा तो लोग यही कहेंगे धरती दिन पे दिन अश्लील होता जा रहा है। सनकी नहीं भैया, मूड सनक गया है। सनक गया है तो मैडम तो पानी छोड़ी ही नहीं। अगर इनके मूड सनकने से मैडम पानी छोड़ने लगे तो अभी तक तो बिहार में बाढ़ आ गया होता। लो, स्टेज हम तूरी का हुमच के। आर यू कॉमेडी मी? अरे अंडरटेकर की दूर की रिश्तेदार हैं ये, इनके हुमचने से स्टेज टूट रहा है। ते हमारा घर के खुशी उजाड़ चाहता रे। देखो मैडम, स्टेज और सेज दोनों में फर्क होता है। मतलब? मतलब जब समझ में आएगा तो हंसी आएगी। थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ जाओ। बता हरामी हो। नहीं मैंने ये बार बार काना बनने का जरूरत है। अरे ऊपर वाले ने आंख दिया है, खुल के मलकाओ इसे इसे। ये छिछोरों वाली हरकत कहाँ से सीखे हो भैया? छिछड़ाईपन इधर भी नहीं है। सब बस बेटा। नहीं ऊपर वाले ने आंख दिया है देखने के लिए और यहाँ की बरौछी काट रही है। प्रिंस प्रियांशु के भी कुछ मन बा। अरे थोड़ा हम को बताओ का मन बा उनका। वो सब छोड़ो और ये बताओ कि एक दिन में कितना मन पूरा कर लेती है। हाँ बिल्कुल सही टाइम पर पागल हुए हो। आगरा पागल खाने में 2 सीट खाली है। धरती फोन लगाओ। ठीक है, तेरे लिए भी बुक करूं? नहीं 2 सीट खाली है ना। वाओ। अबे गाना लगाओ बे, योगा डे नहीं है आज। साले गाना ही है। अच्छा ये भी गाना है। अरे जियो नोरा फतेही का माँ का नाची हो। मजा आया। दबंग सलमान खान ने अपना वर्दी बेच दिया का? हाँ उसको बॉडी दिखाना है तो शर्ट की क्या जरूरत है। हाँ तो ये सिर्फ शर्ट क्यों दिया, पैंट क्यों नहीं दिया? नहीं वो अगली फिल्म में पैंट भी उतारेगा तब ले लेंगे। अच्छा लूट ले लू जलवा दिखा के? नहीं नहीं गलत बात है, मैडम जो दिखा रही हैं उसे जलवा तो बिल्कुल नहीं कहते हैं। लूट ले लू जलवा दिखा के। नहीं मैंने भाई साहब दिन दहाड़े लूट गए और कोई पुलिस कंप्लेन भी नहीं हुआ। वैसे भाई साहब एक बात बताओ कि मैडम ने लूटा क्या है? इज्जत। अरे होगा क्या, पुलिस आएगी और टांग ले जाएगी। हाँ क्योंकि बिहार में शराब इलीगल है। हमारे पास आकर पियो। नहीं मेरा मतलब हमारे यूपी में आकर पियो, यहाँ पुलिस का कोई खतरा नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? वैसे बिहार में लोग देखना भी चाहेंगे कि 2 घूंट मारने के बाद क्या होता है। बहुत दिन हो गया बेचारों ने देखा नहीं है। क्यों नहीं, अभी 10 दिन पहले ही तो देखा है। कहाँ देखा है? यहाँ। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी दे फिर होता है क्या? अरे नशा चढ़ेगा और दूसरे दिन किसी गंदे नाले में मिलोगी, इससे ज्यादा क्या होगा। पिए में नहीं कमी करा चाहे बिक जाए लोटा थाली के बर्बाद बा। मेरी रूह से गर्म है जवान। हाँ ये बात तो 2.5 टका सही है, इनकी जवानी रम से भी गर्म है। क्या बात कर रहे हैं? वरना जनवरी के महीने में यूपी बिहार की कड़कड़ाती ठंड में
ऐसे कपड़े पहनना तो किसी आम आदमी के बस की बात तो है नहीं। शुक्र मनाओ कि खेसारी लाल इनको जनवरी में लाए, कहीं मई जून में लाए होते तो बिहार में लिट्टी की कमी हो गई होती। अब इनके मई जून में आने से लिट्टी की कमी कैसे हो जाती? अरे इनके जवानी के गर्माहट से पूरे बिहार के गोईठा में आग लग चुका होता तो लिट्टी बनती किस पर। ये भी बात सही है। कुमार ने बिहार में दारू बंद करके अच्छा ही किया। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे अब जहाँ ऐसी चलती फिरती रम की दुकान हो वहाँ दारू का जरूरत है। सही बात है यार। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे देखिए एक ठो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबाइए। दबाने के बाद एक ठो घंटा आएगा, फिर घंटा दबाएंगे तीन ठो ऑप्शन आएगा, ऊपर पर आल पर क्लिक कीजिएगा, तो उसके बाद कोई भी वीडियो हम जब डालेंगे ना तो सबसे पहले आप ही देख पाएंगे। और इन सारे क्रियाकलाप में आपका एक रुपया नहीं लगने वाला है, मैंने YouTube से बात करके फ्री करवा दिया है, ठीक है। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे Instagram और Facebook दोनों का लिंक है, दोनों जगह आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। तो यार ये थी वीडियो, और मतलब पूरी वीडियो में अगर बात करें तो सिर्फ दो ही गाने इन्होंने किए हैं, एक तो पवन सर का जो है आ जाइए पाँच के, और खेसारी सर का दो घूंट, जो कि मतलब दोनों ही आपस में एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं कि कौन अच्छा है। टक्कर तो नहीं बोलूँगी क्योंकि एक से बढ़कर एक है, और यार दोनों ही जानी मानी हस्ती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, और भोजपुरी की यार दो आँखें हैं ये बोल सकते हैं आप, क्योंकि पवन सर और खेसारी सर दोनों के ही दोनों गाने, मतलब दो घूंट हो चाहे आ जाइए पाँच के हो, दोनों ही गाने बेस्ट हैं यार। और दोनों मतलब मैंने दोनों पे रिएक्शन किया है, दोनों आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। दो घूंट मैंने कल अपलोड किया था, एंड आज ये पांच की मेरी वीडियो पे आपको मिल जाएगा, मतलब आज ये पांच की भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो एक बार जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार अब बात करें इस वीडियो की, तो झंड जी ने मतलब एक फ़नी सा वे दिया है, सिर्फ कॉमेडी वे से उसको रिलेट किया है, बाकी रोस्ट या कुछ इंसल्ट वे में कुछ नहीं बोला है उन्होंने। तो मुझे तो यार ये वीडियो बहुत पसंद आई है, झंड जी का रिएक्शन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मतलब एक कॉमेडी पर्पज़ से जो उन्होंने रिलेट किया है दोनों वीडियोज़ को वो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो आई होप गाइज आपने वीडियो को एंजॉय किया हो, अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।